हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7th जून और डे टू इन बाजपुर। चिराग और युवराज निकल गए हैं एक्चुअली बस से हल्द्वानी के लिए। मैं, नोनू और मृदुल और वंश, हम चार जने रह गए हैं। हम अभी लेट हो गए थे तो अब मैं नहा लिया, सब कुछ नहा लिया, सब रेडी हो गए हैं। बस वंश बचा, वंश नहाने जा रहा है, उसके बाद हम निकल रहे हैं हल्द्वानी बस में। तो अब ब्रेकफास्ट चाय पी रहे हैं और आपको मिलते हैं सीधा बस में। नोटी के फिल्टर फटे पड़े हैं क्योंकि बाजपुर में इतनी ठंड है नहीं, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर है। एक्चुअली बारिश भी नहीं हो रही है और ये कह रहा है गर्मी गर्मी गर्मी। बोला भाई सुन, अभी बज रहे हैं एक्जैक्ट 9। मैं बोला 12 बजे तक तेरे को गर्मी नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तू गाड़ी की एसी में बैठा होगा या तो ठंड में होगा। अब सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं नोटी। अमन मिस्टर पोको कर दे चढ़ाई, सब सुपर। लेट हो रहे थे तो हमने लस्सी ले ली, अभी लस्सी पी के हम सब निकल रहे हैं। नेताजी आई, आपकी लस्सी रखी है, हैव लस्सी। आज हमारे साथ बकरी भी ट्रैवल कर रही है, देख रहे हो, टैलेंट देख रहे हो सबका। ये लोकल बस में ट्रैवल कर रहे हैं हम, यहाँ से हल्द्वानी जा रहे हैं भाई। हाँ, हल्द्वानी फिर उधर से पहाड़, उधर से पहाड़ों पे हल्द्वानी में हमारी कार खड़ी है। चिराग ड्राइवर हमारे भैया खड़े हुए हैं और यू भी भाई, और बकरी भी जा रही है आज हमारे साथ राइड में। तो मैं, नोनू, वंश भाई और मृदुल भाई हल्द्वानी पहुँच गए हैं और चिराग बहुत बोलता है ना टाइम टाइम, अब उसका वेट कर रहे हैं। अभी वो 10 मिनट लेट है, सुबह 8 बजे गए हो, 11 बज चुके हैं, 3 घंटे वो लेट है पूरा। 3 घंटे मतलब उसको हो गया, उसको गाड़ी लेनी थी, उठा के 1.5 घंटे का रास्ता था, आधा घंटे एक्स्ट्रा का, आधा घंटा आने का, वो आधा घंटा पूरा लेट है। पता नहीं उसने आधा घंटा कहाँ पर व्यर्थ करा है। अब वो आ रहा है, अब 10-15 मिनट कह रहा है वेट कर लो फिर आ रहा है, और ऊपर से चिल्ला रहा है देखो अपने दगरी। हम इतने चाय पी रहे हैं, स्टॉल रहा चाय पी। तो भाई चिराग आ गया था हमें लेने, तो अब हम रास्ते में ही जा रहे हैं। हमारा फ्रेंड है, क्या कहते हैं, चिराग पाठक, उसके पास जा रहे हैं, उससे बाइक लेंगे और फिर मिलवाते हैं आपको चिराग फाटक से। वो भी यूट्यूबर है, स्टाइलिश गेमर के नाम से ना उसका, स्टाइलिश गेमर के नाम से उसका चैनल है यूट्यूब पे। 50,000 है ना उसके 50,000 राउंड में भी सब्सक्राइबर्स हैं। चलो मिलते हैं बड़े यूट्यूबर से। तो ये भाई अपने चिराग फाटक भाई, बड़े यूट्यूबर, 50,000 सब्सक्राइबर्स, कैसे चिराग बड़े तुम बताओ कैसे भाई। बस चिराग भाई हमें बाइक दे दी, हेलमेट ले लिया, अब निकल रहे हम चिराग भाई की बदौलत घूमने। ये चिराग भाई के छोटे भाई, छोटा भाई है ना, छोटा भाई है ये सारे। आलू गुटका रहा था पर सेव फ्यूल इकोनॉमी। अगर आप पहाड़ से उतरते वक्त चढ़ाई कर रहे हो, गाड़ी में मत करना, ब्रेक कम काम करते हैं भैया, बाइक के तो कर रहे हैं काम, टेस्ट कर लिए तभी काम कर रहे हैं हम। ये देखो व्यू, मैं और क्या कहते हैं युवराज भाई। युवराज भाई कैसा लगा 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर बाइक पे? ये देखो कोल्ड ड्रिंक नहीं लूंगा भाई मैं। ये देखो, ये देखो भाई, और ये हम होटल व्यू, क्या है, हिल व्यू, होटल हिल व्यू, और ये देखो व्यू, ये देखो, ये देख रहे हो व्यू, ये देखो ग्रीनरी कितना प्यारा भाई साहब। बाकी अरे पोल्यूशन, चिराग पोल्यूशन नहीं है भाई, धुंध है भाई ये। और अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, नदी गर्मी गर्मी लगनी बंद पहले था, अभी हैगा भी है थोड़ी सी गर्मी। अच्छा थोड़ी सी है नदी, वो तो सूखी पड़ी है नदी पर, वो ये देखो ये नदी की बात कर रहे हैं, ये सूखी पड़ी है। खाना कैसा भाई? खाना एक नंबर। बाकी मैं टेस्ट करके बताऊंगा, खाना तो सही है। ये देखो चाय, गुटखा भी है, गुटखा भाई मैं नहीं खाता था, तमाकू वमाकू है? आलू गुटखा नहीं, नहीं भाई तमाकू पहाड़ी डिश, आलू गुटखा। अच्छा पहाड़ी डिश, ओ भाई साहब 24 किलोमीटर मैं और युवराज भाई, हमें थोड़े से पहाड़ दिखे, मैं और दोनों भाई एक्साइट हो गए। भाई भी साल में एक दो बार आता, हम दोनों कोई नहीं चढ़ा दे बाइक देखी जाएगी, फिर भाई कह रहा है यार ये तो रास्ता अजीब सा लग रहा है। फिर मैं और भाई हमने फ़ोन करा, फिर चिराग तो ये बदतमीज़ आपको पता ही हो, गाली बकना शुरू हो गया उसको, तमीज़ तो है ही नहीं आपको पता ही है। तो फिर चिराग ने बताया, फिर हम नीचे अब रास्ते पे आए हैं। बताओ क्या करें, अभी तो गाड़ी में बैठ के आगे नहीं था, लोग आपको पता ही बड़े बड़े लोग, ये भाई आलू के पराठे बटर तय गए इतने, आलू प्याज के, ये तो अचार है, ये आलू के गटके और ये गुटके, गुटके सॉरी आलू के गुटके
और रायता, और ये रायता खीरे का प्याज का रायता है, ये खीरे का प्याज का क्या हूँ, दोनों मिक्स रायता है, पार्टी डिश है, आलू गुटका और रायता, आलू गुटका और पार्टी डिश है, और ये घी है, दही है, दही है, मतलब घी देखे छोटो भाई। देखो कितना अच्छा मौसम है भाई, व्यू देख रहे हो, बारिश जैसा व्यू, मतलब हो रहा है कि बारिश होगी पर बारिश हो नहीं रही, पर देख रहे हो कितना ज्यादा सेक्सी मौसम हो रहा है, और भाई ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, मतलब हवा ठंडी हो गई है, बेसिकली यही चीज है कि हवा ठंडी, और घर देख रहे हो कैसे है, और राइट में घर देखो कोने में कैसे है, और व्यू देखो ऊपर तक, ये देखो यार कैसे घर है, कितने प्यारे प्यारे, और रोड देख रहे हो भाई साहब नेक्स्ट लेवल, और शांति देख रहे हो, मैं देखो दो मिनट चुप हूँ, कुछ आवाज ही नहीं है, अब ये बाइक आ रही है, बाइक की आवाज आएगी, ये देखो शांत निकल गई, ये भी शांत निकल गई, देख रहे हो पीस सुकून, भाई ये देखो यहाँ पे पानी वानी, दो मिनट रुके, काफी देर हो गई ड्राइव के लिए, व्यू देखो भाई साहब, वो देखो मंदिर, हर 100-150 मीटर पे मंदिर मिल ही जाएगा आपको यार, भाई साहब पहाड़ी पहाड़, और देखो एक ये सुंदरता है, और उसके बाद तो फिर यही सुंदरता है, देखो सारी सुंदरता फेल है भाई साहब, इन दो चीजों के आगे तो भाई साहब, ये देखो व्यू, और ये देखो हेलमेट पहन के बैठा है। तो गाइस देखो उत्तराखंड में लद्दाख के मजे, वाटर क्रॉसिंग, ऐसा नहीं हल्के नॉर्मल रास्तों से नहीं जा रहे हम, खतरनाक रास्ता, डेंजर चीज है तो बड़ी, ओ भैया गाइस, ये नदी आती है इधर से, और ये पूरी वाटर क्रॉसिंग इधर से आती है ऐसे, ये देखो भालूगढ़ जल प्रताप छीड़ समिति वॉटरफॉल हम आ गए हैं, ये नोडी भैया आप नहाओगे, नोडी भी नहाएगा मृदुल भैया, ये भैया क्या नाम है, ये भैया वंश भैया, ओ भैया हमारे युवराज भैया, 1200 मीटर ट्रैकिंग है अपनी, चिराग भाई पर्ची कटा रहे हैं, 50 रुपए की टिकट है पर पर्सन है चिराग, बिना मास्क सैनिटाइजर के प्रवेश नहीं है, ये देखो कर गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नो एंट्री विदाउट मास्क, ले ले व्लॉग में, ये अंकल है, चलो सैनिटाइजर ले लो, सैनिटाइजर, अरे जय श्री राम बोलो, सैनिटाइजर तो है ही, ये देखो अब यहाँ से ये ट्रैक है, कितने कितने लंबी ट्रैक है, तो अब ये 1 किलोमीटर की ट्रैक है, स्टीप 1200 मीटर की स्टीप है ना, सिमिलर नहीं एकदम ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बीच में तीन नदियां आएंगी, उनको पार करना है, सांस तो अभी से चढ़ने लगी भाई चिराग, और ये हाल जब हम कुछ धूम्रपान वर्जित नहीं करते, वर्जित होता ना धूम्रपान नहीं करते हम, नोडी का तो हाथ 4 किलो वजन टूट जाएगा भाई खुश, ये देखो ये है चढ़ाई, यहाँ पे मतलब ये कि चलते जा रहे हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिक पैर रुक ही नहीं रहे, ये देखो अरे झरने की आवाज़ आ रही है, देखो पूरे जंगल में आ गए हम, ये देखो देख रहे हो समझ रहे हो, समझ रहे हो, कैसे हो भाई आप, ठीक हो, ऐसे कर लो, थक गया भाई, ये भाई एक ई कर, अमृतल भैया कैसे दांत हो जाएंगे भाई, तूने शॉर्टकट मारा था इसे, दांत टूट गए नलके से आगे वाले गिर गया था तू, वो हमारे वाले साथ में ऐसी वैसी करता है, बदतमीज है ना लड़का, हाँ बोल दे भाई, नहीं भाई तू ब्लॉग में आएगा यूट्यूब में देखना, मिस्टर पोको डाल दियो, ये देखो साइड में नदी जा रही है, यहाँ पे पानी कम है, ओए पानी वहाँ वॉटरफॉल पे भी कम है, इतना ही पानी वॉटरफॉल पे भी कम है, नहीं पानी वॉटरफॉल में बहुत है, अरे चिराग कहाँ जा रहा है, चिराग सुन, अच्छा वो रहा चिराग आ गया, मेरे को लगा चाहिए है, मैं चिराग को बुला रहा, सुन नहीं रहा चिराग, सुन नहीं रहा वो पीछे, अरे वो रहा पीछे है चिराग,
तो ये रिवर क्रॉसिंग करते हुए यहाँ पे आराम से शूज फॉलो होते हुए आगे मैं जाना चाहिए क्रॉस कर लिया। चल चल चल, ये देखो ये क्रॉस करते हुए चढ़ाई। चल भाई चल, कर दे चढ़ाई नोडी सुल्तान, कर दे चढ़ाई नोडी भाई। एक बार गिर जाना, व्लॉग में से कंटेंट मिल जाएगा, प्लीज़ एक बार गिरिए हल्का सा, एक्टिंग कर दे हैं, आते होते फिर ठीक है। ये देखो भाई, ओए होए ओए होए, ये जुगनी वाटरफॉल पे करी थी ना, काइंड ऑफ वैसी चढ़ाई यार। आप समझ आ रहा, सांस क्यों चढ़ते ले पे जाते हैं ना, कहते हैं सियाचिन में ऑक्सीजन लेवल, तो सांस से चढ़ गया यार ट्रैकिंग करते। हाँ अब से रोज आएंगे, अब से रोज सुबह शाम चार बारी चढ़ाई करेंगे, स्टेमिना बढ़ जाएगा, मौज हो जाएगी। ये देखो रास्ता भाई, सुनो भाई, डेंजरस रास्ता ही, देखो भाई साहब देख रहे हो, ये देखो तुम सब फेल है। ये अगेन सेकंड वाटर क्रॉसिंग अपनी। चल नोटी गिरेगा, ओह पानी में चला गया शूज मेरा, शिट। ये देखो तीसरा वाटरफॉल, नोनू की सांस फूल की, ज़्यादा फूल की नोनू। ये देखो ये रिवर क्रॉसिंग, पानी इतना ज़्यादा है नहीं और डर ऐसे ही रहे खामा का, अब क्या करें। ये देखो चप्पल नहीं पहनी तो मैं तो यहीं से निकल जाता सीधा सीधा करके। चल भाई चल, ये देख रहे हो यहाँ में ऊपर जाना है, चिराग की चप्पल टूट गया, आप देख सकते हो नंगे पैर जा रहा है। और ये देखो चढ़ाई देखो कैसी है, स्टीपर चढ़ाई, और सांस फूलते हुए। यहाँ पे ट्रैक शूज में आना था, ट्राउजर्स में और चप्पल में तो ज़्यादा बेटर फील होता है। ये देखो यहाँ पे आलू खेती होती है, ये है यहीं पे होती नहीं वैसे, ये पूरी, ये पूरी देखो आलू, पहाड़ी आलू है ये भाई, पहाड़ी है अपना ये, तू भी है साला, तुम भी पहाड़ी है। तो भाई ये देखो हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल के पास, वो भाई डर लग रहा है, तो हिल फिल रहे हैं, देख रहे हो हिल रहा है। ये देखो ये ऐसे रोका पड़ा है, अभी आते आते वो लग गई, ये लाइफ जैकेट पड़ी है, नोडी को पहनवा देते हैं। फिर यहाँ देखो ये पहुँच गए, एंड ये आपका वाटरफॉल, ये देखो भाई साहब, मतलब पहाड़ अच्छी जगह है, मैं बर्थ है पहाड़, मतलब है मैं गलत गलत कह रहा था। ये देखो भाई साहब, तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल पे और अब हम नहाएंगे, तो लाइक व्यू देख रहे हो पीछे कितना तगड़ा आ रहा है भाई साहब, इतना चिल्ड पानी है, नोडी कैसा पानी है, काफी चिल्ड पानी है। और इस येलो लाइन के पीछे जो लाइन लगी हुई है ना, तो क्रॉसिंग है 40 फीट गहरा है, अगर आपको जाना है तो लाइफ जैकेट मिलेगी और आप जा सकते हो, तो ट्राई करते हैं, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो आपको फिर दिखाते हैं हम कोशिश करके। तो वाटरफॉल पे मिर्दुल मैं और यह आगे अंदर, नोडी आ रहा है तो आ जा भाई, सब व्यू देख सकते हो आप, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे, और चिराग विराग बैठे हुए हैं इधर पीछे की तरफ भाई साहब, व्यू एक चैलेंज चल रहा है इन लोगों का, ये तीनों पानी में सर डुबा रखे हैं, पानी में सर डुबा रखे हैं, युग ने निकाल दिया, व्यू देखिए अमन भार और मृदुल भार। तो गाइस हम सारे नहा चुके हैं फाइनली, चिराग नोनू ने नहाए और वंश भाई ने नहाया, मैं युवराज और मृदुल भाई नहाए हैं, हम पैर देखिए भाई खुश हो गए, इतना ठंडा पानी, बर्फ बर्फ और मछलियाँ भी, और वो जो हे ओ क्या कहते हैं हेयर स्पा कह रहा था, हेलो स्पा होता है ना लेग स्पा, वो मछली मछली थी छोटी छोटी वाली, लेग मसाज वाली मछली, वो छोटी 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 मछलियाँ थी, वैसे पैर पे आके कुछ ना कुछ कर रही थी, पुच्ची करके जा रही थी पैर पे बार बार, मसाज हो रही थी एक नंबर, कान बंद हो गया मेरा तो एक। हम और भाई साहब तुम मृदुल और मेरे हल्का सा 0 उससे रह गए सांस रोकने वाले से, उससे भाई बहुत तगड़ा मजा आ गया। अब चिराग अब कहाँ निकल रहे हैं, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर जा रहे हैं, मुक्तेश्वर मंदिर है बस, अब जा रहे हैं वहाँ पे, अभी तो ये डाल दिया फिर गाड़ी में, सनसेट दिखाएंगे अभी, देख रहे हो शाम हो गई पर कोशिश करेंगे बेस्ट, ठीक है चलो मिलते हैं अब रास्ते में।
तो गाइस हम वहाँ से वॉटरफॉल के बाद मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं और अब मंदिर जा रहे हैं नोनू और वो युवराज ऊपर की तरफ भाग गया, आपको दर्शन कराते हैं। रुको ये मंदिर की सीढ़ी कितना ऊपर चला, ये देखो व्यू वाला, ये देखिए धुंध ही धुंध है, बादल ही बादल, अब ठंडा हो गया काफ़ी ज़्यादा। ये आंगनवाड़ी मुक्तेश्वर, ये क्या है जरा आंगनवाड़ी स्कूल मंदिर में ऐसी है। अच्छा ये देखो रास्ता मंदिर का, ऊपर चढ़ते हैं फिर मिलते हैं। कितनी चढ़ाई ऊपर, 400-500। अच्छा अच्छा मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा। तो गाइस फाइनली मुक्तेश्वर मंदिर में हम, मैंने पूजा कर ली, सबने मत्था टेक लिया और मैंने आप सब के लिए भी प्रे कर ली कि आप सब ठीक रहो और फिट रहो। तो मिलते हैं। किस तरह मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा। गाइस आप ये सब देख रहे होगे कि मैं बिल्कुल धीरे धीमी आवाज में कुछ बोल नहीं रहा, मतलब बहुत कम बोल रहा हूँ। ये देखो कितनी शांति है यहाँ पे, पीस देख रहे हो। और ये लिटरली हमारे नीचे बादल हैं, ये बादल चल रहे हैं सामने, मतलब कैमरे में शो नहीं हो पा रहा है ये धुआं, मतलब जो दिख रहा है आपको धुंध फॉग, मतलब वो नहीं है, पोल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ ये बादल हैं और आपको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कैमरे में, क्लियरली जाते दिख रहे हैं हमें की आंखों से। और वहाँ पर वो आपको दिख रही होगी हल्की, जस्ट मैं फोकस करता हूँ, रुको नहीं फोकस करा मैंने, देखो ये इधर जो बैठे हल्के हल्के दिख रहे हैं, ये है सनसेट पॉइंट व्यू, सनसेट व्यू पॉइंट। तो हम यहाँ जा रहे हैं और मेरे को तो भाई साहब वाइब देख रहे हो, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ना यहाँ पे, बस कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, एक पिन की आवाज भी नहीं, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं वो है, बिल्कुल शोर ही नहीं इतना, मतलब यार सच्ची में मेरे को तो पहाड़ बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यार मतलब पहाड़ हवा की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ये देखो गाइस व्यू देख रहे हो, अब वहां पे जो व्यू पॉइंट था, आवाज सुन रहे हो, शांति देखो कितनी यहां पे, ये देखो कैसा जंगल सा, और रात में बंदा है ना भाई साहब, जय श्री राम, ये देखो आवाज देखो जय श्री राम और सब कुछ हो जाए। देखो ये वैसी वाली वो लग रही है, यहाँ वो नहीं होता तो जंगलों में जाते ट्रैप भी छा जाते, पैर घुसते उल्टा लटका देते हैं वो आ रही, सोचो और सोचो हम रात को आ रही हूँ इस पेड़ पे, अगर भूतनी उल्टी लटक के चल रही हो तो भाई साहब बाल खोल के, ओ भाई साहब कितनी सुंदर लगेगी, वो मजा सा आ जाएगा। जो भैया आपको गोल पत्थर दिख रहा है, अगर आप इसमें से नीचे जाके वापस आ जाओगे तो आप, हाँ जी बिल्कुल, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अभी तक एक अंकल वापस आए तो ऐसा रिस्क भाई मैं तो लेना नहीं चाहता, जय श्री राम, मैं तो खुश हूँ ऐसे भैया, जाएगा भाई बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल जा, बस अपने भैया को मनवा लो, नहीं फिर रहने दे फिर कैंसिल नोटिस कैंसिल कर, मैं नहीं ऐसे रिस्क नहीं लेने का भाई, या माउंटेन ड्यू वैसे नहीं मिल रही है वो भाई, देखो जिप लाइन गया अटक गया। हाँ भैया आ गए स्वाद भैया बड़े, अच्छा 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 देखो, ओ भाई गाइस वो आपको दिख रहे हो ऊपर फोग, जो सबसे ऊपर टॉप पे फोग दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मंदिर है और ये मंदिर का टॉप व्यू है, पहाड़ी है ये, आपको सूरज देवता दिख रहे हैं, इनको प्रणाम कर लीजिए आप। और ये देखिए नीचे खाई, ये देखिए पत्थर, और ये पूरी जस्ट इसके नीचे देखो आप खाई है, देख रहे हो, और वो जिप लाइनिंग हो रही है भाई वहाँ से, जिप लाइनिंग स्टार्ट वहाँ से हो रही है ये देखिए, और फिनिश वहाँ पर हो रही है नीचे, और पूरी नीचे खाई है ये देखिए, यार आई थिंक आप सब मनाली और ले वे गए हो भाई, मेरे को तो सब है कि कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ उत्तराखंड आओ, उत्तराखंड इज़ बेस्ट भाई साहब, आप समझ आ रहा है कि उत्तराखंड कितना प्यारा है और कितना मस्त। और कहते हैं पहाड़ी लोग भाई बड़े अच्छे हैं भाई, पहाड़ी लोग बहुत सपोर्टिव है, हमें काफ़ी सपोर्ट करा पहाड़ी लोगों ने, हमारे मेरा फ्रेंड है चिराग पाठक वो भी पहाड़ी है। और गाइस आप व्यू देख सकते हो, देखो सब कुछ अपने पास है भाई, देख रहे हो, ये देखो ये अपने भाई लोग खड़े सारे, देखो चिराग ये नोडी, चाय और मैगी ऑर्डर करी हुई है इन्होंने, चाय और मैगी आ रही है, अभी चाय और मैगी खाएंगे फिर भाई लोग सारे, ये अपना चिराग बेबी आ गया, वैसे देखो भाई साहब अनबिलीवेबल, ये देख रहे हो, ये देखो व्यू देख रहे हो आप सब, देखो पूरा एग्जैक्टली हम पहाड़ के ऊपर है, बादलों में देख रहे हो, आपको मे भी दिख रहे हो हल्के हल्के नीचे के बादल हैं, और देखिए चिराग ये मैगी निमटा दी, ये चाय मेरी और चिराग की, हम दोनों मैगी के लुफ्त उठा रहे थे मजे। प्लीज भाई मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप सब यहाँ पर आओ, ये देखो यार पकोड़े चल रहे हैं, चाय आ रही है, ये पकोड़े उधार भी क्या कहते हैं उधेड़ भी दिए उन्होंने सबके सबने, ये देखो ओ भाई साहब पकोड़े कैसे भाई,
नोनू कैसे पकड़े भाई, मजा आ रहा है। व्यू ही दिखा रहा हूँ, ये देखो एक घर है नीचे, मैं कुछ डिम करके दिखाता हूँ। लाइट तो देखो, तब आपको दिख रहा होगा, देखो अब डिम करिए मैंने ब्राइटनेस, अब ये नॉर्मल में आ जाता है। ये देखो ये डिम में आपको सन दिख रहा होगा, तो गाइस अभी मेरी लोकल से बात हुई है, उन्होंने बताया ये कुमाऊं की सबसे हाईएस्ट पीक है 8000 फीट पर, और ये मंदिर जो है मुक्तेश्वर 8000 फीट पर है, और मतलब तभी तो कहूँ बादल एकदम सामने विजिबल हैं भाई साहब। आपको मैं दिखा नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा, पर मैं भी दिख रहा हूँ किसी वीडियो में, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा कि आपको दिखा पाऊँ व्यू, मतलब 8000 फीट पर नेक्स्ट लेवल, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, व्यू ही इतना अच्छा है, शांति पीस नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल। देखो ओम जी, तो भाई ये सारे गाड़ी में बैठ रहे हैं, देखो हाफ हाफ बाजू में, और भाई देखो भाई ने पहन ली जैकेट और नीचे पजामा, नीचे जुराब हमारी रही है भाई ऐसे सी, ये फट रही है हमारी कुछ भी लगा लो इतनी। मैंने भी पूरी जैकेट पहन ली, पूरा पैक हो गया, जीन्स जूते सब कुछ डन है, फुल पैक। अब मास्क आ जाएगा और हेलमेट आ जाएगा। ये देखो गाइस रात का व्यू है पूरा, एग्जैक्टली आ नहीं रहा होगा इधर, ये देखो पूरा रात का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ा सा मैंने फ्लैश ऑन करके तो ये भाई होटल पहुंच गए हम। ये देखो ये ऊपर चढ़ाई करते, सारी चीज ऊपर ऊपर की तरफ है यहाँ पे। यहाँ तो कुत्ता तो सेक्सी है, हटियो भाई। हेलो भाई, भाई एंट्री कर ले। हेलो गाइस, ये देखो ये अपनी रूम की एंट्रेंस है, ये देखो लाइट, और ये अपना रूम, ये आगे रूम में मस्त एकदम सेक्सी और जो बजट फ्रेंडली। ये देखो बाहर सोफ, आराम से बैठ के कपड़े करो बस। ये देखो सब नीचे, अरे नोटिका ज्यादा प्रेशर पड़ा, नोटिका में जाओ। ये देखो बढ़िया है यार, सही है अपना बजट फ्रेंडली एक नंबर मस्त, सही नहीं बजट के साथ। रात तो निकाल ली, 5-6 घंटे सुबह निकलने, थोड़ा सा आने में और कॉल भी नहीं कर पाए मतलब उनको, तो अंकल इतने नाइस है भाई साहब, वो अभी हमारे स्पेशल खाना मतलब लेकर आए हैं, खुद बनाया है उन्होंने, मतलब शेफ भी चले गए थे लास्ट टाइम 9:30 बजे हमने ऑर्डर करा है अंकल को, 9:30 बजे हमने ऑर्डर करा है और तब दिया भाई, चाय भी बना के दी अंकल भाई, भैया भोजन आ गया। हम 5-6 जनों का, आप गेस कर लो कितना खाते है, अजीब जानवर है मृदुल भाई का तो आपने देखा ही है। ये देखो युवराज भाई मृदुल की एक्टिंग कर रहे हैं, मृदुल कैसे करता था जब बचपन में था, कैसे करता था। मम्मी मुझे रोक लो, मेरे हाथ में पत्थर आ जाएगा सर, फोड़ दूंगा। ओए एक बार याद है मुझे आपकी रामपुर में हुई थी लड़ाई, मृदुल भैया ये नीचे देख रहे हो गाइस, ये मृदुल भैया है ना, इधर की तरफ देखो कुत्ते हैं कई सारे, तुम मृदुल भैया गेट पे खड़े हो गए थप्पड़ मारे, कुत्ते तो मजे ले रहे हो, कुत्ते आगे भौंक रहे हैं, वे जैसे गेट खुले कुत्ते पास होते एकदम गेट बंद करके अंदर पीछे की तरफ जा रहे हैं, डर रहे हैं, देखो गाइस मजे ले रहे कुत्तों से। ये देखो भाई यहाँ 14-15 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर इनको देखो अलग ही गर्मी छा रही है, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, किसने उड़ा दी रे जाए। हाँ अब पूरा तो जाई उड़े ना, फिर बताऊंगा। ये देखो अरे मजाक करना करते हैं ना, जबान टूट गई तेरी है, जबान टूट गई कोई तो गाइस हाफ एन आवर के बाद अब व्लॉग जाके पूरा एडिट हो गया, सब कुछ डन, तो डिनर भी खा लिया सब, नोनो अंदर सब लेट गए हैं, सब जस्ट अभी सोने गए हैं, चिराग पहले ही सोने चला गया था, थक गया था काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर तो चिराग चला गया था, और मेरे को व्लॉग तो एंड करना ही था, तो इस वजह से एंड किया, मेरे को व्लॉग सबसे पहले एडिट करना है, सुबह टाइम नहीं मिलेगा, सुबह निकलना है अपन लोगों को, तो मैंने मेहनत करी है, कोशिश करी है कि आप सबको सब कुछ दिखा पाऊँ। गाने बंद कर ले भाई, कॉपीराइट बढ़ जाएगा, थैंक यू। हाँ तो मैंने आप सबको दिखाने की कोशिश करी है कि क्या क्या किया मैंने और क्या क्या नहीं किया, और हर व्यू हर पॉइंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, तो अगर आपको किसी भी रीज़न से, व्लॉग काफ़ी लंबा है पूरा देखना प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, और अच्छा लगेगा आपको, और अगर आपने किसी भी रीज़न से अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार प्लीज़। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।